मॉर्निंग 9th क्लास, आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। लास्ट क्लास में हमने देखा कि टेम्परेचर चेंज करके सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज किया जा सकता है। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हम सॉलिड को हीट करेंगे, सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उससे क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड को गैस में कैसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक हमने वेसल लिया, उसमें हमने वाटर लिया और उसको हीट किया। ठीक है, वाटर को हीट करोगे तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगा, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमने वाटर को हीट किया और वाटर क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। पहले इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री, अब टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री तक राइज होगा उस टाइम पे जो वाटर है वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने हीट सप्लाई की तो टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, बट इस केस में जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट कहाँ यूज हो रही है, वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए। तो वॉट इज बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इन टू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। जब लिक्विड को हीट किया जाएगा तो लिक्विड जब वेपर में या गैस में चेंज होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस इन टू गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होता है और वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है, वेपर में या गैसियस स्टेट में चेंज होगा, तो जिस टेम्परेचर पे ये चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। यानी 1 kg लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जो हीट का हमें रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे इसमें क्या है, वाटर है, वाटर को आप हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर यहाँ पे 0 डिग्री पे, सबसे पहले जैसे आपने वाटर को हीट किया वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा 0 से 20 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, कहाँ तक इंक्रीज होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, आप थर्मामीटर से चेक करेंगे, जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर आएगा ये टेम्परेचर यहीं रुकेगा। ठीक है, और जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, अब पहले हमने जो हीट सप्लाई किया उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बट जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आया जो हमने हीट सप्लाई किया उससे क्या हो रहा है, ये जो वाटर है वो वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर में चेंज होगा, तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई की जा रही है वो हीट कहाँ यूज हो रही है, वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए ये हीट यूज हो रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, टेम्परेचर हमें 100 डिग्री ही शो होगा, तो ये जो हीट है जो वाटर को वेपर में चेंज करती है, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इसमें इस पॉइंट पे जब वाटर वेपर में चेंज होता है टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बॉइलिंग क्या होता है, लिक्विड को जब गैस में चेंज करने के लिए जब हम हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर या स्टीम में चेंज होगा उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब वाटर वेपर में चेंज होता है उस टाइम पे टेम्परेचर फिक्स रहेगा, तो वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए जो हीट सप्लाई की गई है, स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट सप्लाई की जाती है, डेट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सब्लिमेशन। वॉट इज सब्लिमेशन, अभी तक हमने पढ़ा कि सॉलिड को हीट किया जाए तो वो लिक्विड में चेंज होगा, इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग।
लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड किस में चेंज होगा, वेपर या गैस में। इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाता है। अगर सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करना हो, सॉलिड को अगर डायरेक्टली हम गैस में चेंज करें या वेपर में चेंज करें ऑन बाय हीटिंग, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं बुक में। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, जब सॉलिड को हीट किया जाएगा तो डायरेक्टली वेपर में चेंज होगा, लिक्विड स्टेट में जाए बिना ही सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, अगर वेपर को कंडेंस करें तो वेपर वापस अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कैम्फर है, कैम्फर, एंथ्रासीन, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं बट इनको अगर हीट किया जाए तो डायरेक्टली ये वेपर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पेज नंबर 8, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसका मीनिंग क्या है, इससे पहले ये सब्लिमेशन का एक एक्टिविटी देख लेते हैं। यहां पे हमने क्या किया, एक फ्लास्क में हमने कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड लिया। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में, इसको जैसे ही हीट किया गया, ठीक है, फनल में हमने इसको ये लिए, जैसे इसको हीट करेंगे तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है, ये जो सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो रही है, वेपर्स में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक हमने पढ़ा कि जो मैटर की स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनको चेंज कैसे किया जा सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज करके। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो सॉलिड को हीट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। लिक्विड को गैस में चेंज करना है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, लिक्विड को हीट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आएगा वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कैसे चेंज किया, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है स्टेट्स को चेंज करने का, प्रेशर चेंज करके। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें उससे भी क्या होगा, एक जो स्टेट है वो दूसरे स्टेट में चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। गैस को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं इसमें हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ये क्या है, गैस के पार्टिकल्स है, ऊपर से हमने पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई किया है। ठीक है, प्रेशर हमने अप्लाई किया तो पिस्टन नीचे की साइड मूव करेगा, पार्टिकल्स और ज़्यादा क्लोज आएंगे। हमने फिर से ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, पिस्टन नीचे मूव करेगा, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे। तो यहाँ पे जो गैसेस स्टेट है वो किस में चेंज हो रही है, लिक्विड स्टेट में, बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करके भी हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैस, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। अब व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। ठीक है, बट इसको गैस में अगर हम प्रेशर को अप्लाई करें, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करें तो गैस को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज किया जा सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो पार्टिकल्स गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे पार्टिकल्स बहुत क्लोज आएंगे और वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट। इसका मीनिंग क्या है, गैस को सॉलिड CO2 में चेंज कर सकते हैं। अब सॉलिड CO2 को गैस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को गैसेस स्टेट में चेंज करने के लिए हमने प्रेशर को डिक्रीज किया, जैसे आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ये डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, विदाउट गोइंग इन टू लिक्विड स्टेट, तो दिस इज रीजन डेट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं, क्योंकि सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट।
ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ड्राई आइस क्या होता है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देख लीजिए, छोटा सा टेबल है ये,